हाय फ्रेंड्स, इंडिया बिनोकुलर शॉप में आपका स्वागत है। आज 76 एमएम टेलीस्कोप के ऊपर डिस्कशन है। इसका अनबॉक्सिंग है, इस तरह से खूबसूरत डब्बे में आता है, इसकी असेंबली है और इससे दिखाई कैसा देता है दिन के वक्त अगर सामने बिल्डिंग वगैरह देखें, ताकि आपको थोड़ा पता लगे इसमें क्या क्या आता है और इससे हम क्या क्या देख सकते हैं, वो डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप ये पूरा वीडियो देखिए तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको लेना हो 7000 के बजट पे ये है। तो इस तरीके से ये बॉक्स में आता है, इसको आप खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो ये जो है इसमें डेफिनेटली ट्राइपॉड की लेग्स होंगी, इसके बाद दूसरे बॉक्सेस, मैनुअल, और इस बॉक्स में आपकी ऑप्टिकल ट्यूब होगी। तो ये सिल्वर कलर की इस तरह से ऑप्टिकल ट्यूब है। अब इसका इंस्टॉलेशन का पूरा वीडियो देखेगा तो आपको आसानी होगी जब आप टेलीस्कोप रिसीव करेंगे। रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है 76 एमएम 700 एमएम फोकल लेंथ में। इस एसेसरी बॉक्स में क्या है वो देखते हैं हम। ये फाइंडर स्कोप है, ये इसकी स्लो मोशन केबल है, ये इसकी एसेसरीज हैं, इरेक्टिंग आईपीस, तीन आईपीस हैं, बार्लो है, ये स्क्रूज हैं और ये एसेसरी ट्रे हैं, और ये बीच में पकड़ने वाली इसकी ब्रैकेट है। दूसरे बॉक्स में देख लें क्या है इसमें। इसमें ये माउंट है इसका, एजेड माउंट यू शेप में जो आप देख रहे हैं। तो एक बार ये नजर डाल लेते हैं, ये जो है ये ब्रैकेट है, ये फाइंडर स्कोप का है क्लैंप, ये दो स्क्रूज हैं जो आपके ट्यूब को पकड़ते हैं, ये बाकी स्क्रूज हैं ट्राइपॉड पे लगेंगे, ये आईपीस है, इरेक्टिंग आईपीस है, ये बार्लो है, कौन सा बार्लो है, 3x बार्लो है, और इसमें तीन आईपीस हैं, एक 12 एमएम है, एक 20 एमएम है और एक 6 एमएम है, और एक ये मून फिल्टर है जो लग जाएगा। ये फाइंडर स्कोप है और ये एसेसरी ट्रे है, ये योक माउंट है और वो ट्राइपॉड लेग्स है, और ये ऑप्टिकल ट्यूब है। अब इसका इंस्टॉलेशन का देख लेते हैं। सबसे पहले आपने ये लेग्स खोलनी है, ऐसे तीनों लेग्स खोलनी है और इसमें स्क्रू फिट करना है। जितनी हाइट रखनी है आप रख सकते हैं लेग्स की, और ये तीसरी लेग। अब उसके बाद आपको ये योक माउंट ऐसे फिक्स करना है। अगर आप प्राइस का पूछना चाह रहे हैं तो ये 7000 रुपीज का है आज की डेट में, और इंटरनेट पे आपको ये 8 से 10 हजार के बीच में मिलता है, अलग अलग स्टिकर्स के साथ, पोलक्स वॉलक्स और एक्सपीडिशन एक्सपर्ट और SSCA अलग अलग नामों से आता है। ये सारे एक ही क्वालिटी है, लेकिन इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, अपग्रेड किया जा सकता है, वो भी हम आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे, तो आप जुड़े रहिए। ये तीसरी लेग है जो लगेगी इस तरह से योक माउंट में।
एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो लेग्स आपने फिक्स करनी है उसमें ये जो अंदर की आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर की जो क्लिप्स हैं ये अंदर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी आपकी एक्सेसरी ट्रे भी लगेगी। तो अगर ये बाहर की तरफ है तो आपको दोबारा निकाल के स्क्रू लेग अंदर करनी है। ये ब्रैकेट अब आपने लगानी है, जो होल्डर ऑफ लेग्स है, बेसिकली होल्डर है, ये आपने लगाना है अंदर। इसके अंदर जो स्क्रूज लगे हुए थे वो बाहर निकाल के अब आपको दोबारा से यहाँ एक एक लेग में आपको फिक्स करना है। ये इनिशियल प्रोसेस है, इसमें आपको टाइम लगेगा 20 मिनट, लेकिन उसके बाद सिंपल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम आपको पूरा असेंबल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्यूब आप ऊपर से निकाल के जब आपने यूज कर लिया आप वापस रख दीजिए। ट्राइपॉड को फोल्ड करके आप साइड में दीवार में दरवाजे के पीछे रख सकते हैं। दो तरफ से लग गए, ये तीसरी तरफ से ब्रैकेट लगेगी, होल्डर ट्रे होल्डर एक्सेसरी ट्रे होल्डर। आपको अलाइन करके ये स्क्रू पूरा अंदर इंसर्ट करना है, फिर बाहर से स्क्रू आपने लगाना है। अब इसके बाद ये एक्सेसरी ट्रे लगेगी। फुल टाइट हो जाए तो आप उसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपकी ऑप्टिकल ट्यूब है इस तरीके से, दोनों साइड से स्क्रू लगेगा। जो दो बड़े बड़े स्क्रूज हैं ब्लैक कलर के, बड़े हेड के, प्लास्टिक हेड के, दोनों तरफ से लग जाएंगे ये। तो ये आपका टेलीस्कोप तैयार हो गया। इसमें आप फाइंडर और स्लो मोशन ये लगानी जरूरी है, वो भी आप देख लीजिए। ये फाइंडर है, इसके ये तीन अलाइनमेंट स्क्रूज हैं जो अंदर ना ज्यादा हो। अगर अंदर हैं तो आपको थोड़े से बाहर पुल आउट करने पड़ेंगे, अनस्क्रू करने पड़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के। तो फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज आई है। सबसे पहले आपने 20 mm आईपीस जो है वो लगाना है, ये 20 mm आईपीस। ये 12 mm है। अब ये यहाँ का स्लो मोशन का भी हमने, जब आपने लॉक करनी हो एक हाइट पे तो इसको आप लॉक कर सकते हैं। तीन आईपीसी है हमारे पास, ये 20 mm है, ये 12 mm है और ये 6 mm है। तो सबसे पहले आपने 20 mm आईपीस यहाँ लगाना है, इसको यहाँ से टाइट कर लेना और यहाँ से आपने फोकस करना है। तो जब फोकस शार्प हो जाए, जब आप देख रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, दिन के वक्त कीजिए,
तो इन्वर्टेड इमेज आएगी, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको फोकस करना जरूरी है। और आप अलाइनमेंट कर सकते हैं इसकी फाइंडर की, यहाँ से जो इसका सेंटर है और इसका सेंटर सेम होना चाहिए, नहीं है तो ये अलाइनमेंट स्क्रूज है, उससे आप इसको छेड़ेंगे तो इसका जो सेंटर है और इसका सेंटर है, बेसिकली ये बेस है, वो बिल्कुल सेम हो जाए तो आपको रात में ढूंढने में आसानी होगी। जो 20 mm है 35x पावर देता है, फिर उसके बाद इसको चेंज करके आप 12 mm लगाइए, दोबारा फोकस कीजिए, तो आपकी जो पावर आएगी वो 58x आएगी, 700 / 12, और लास्ट में आप 6 mm यूज कर सकते हैं जो कि 116x देगा। तो बहुत सी ऑनलाइन साइट्स 525x और डिमकाना 600x 350x वो सब गलत है। जब 76 mm का अपर्चर है तो 150-180 तक आप जा सकते हैं मैक्सिमम, 175 तक। इसमें एक बारलो भी दिया हुआ है, 3x बारलो, जो 6 mm के साथ तो बिल्कुल यूज नहीं होगा, ये जो यूज होगा या तो 12 mm के साथ हो सकता है। तो 12 mm अगर 58 दे रहा है × 3 रफली 175x पावर मैक्सिमम है जो इस स्कोप से आप जा सकते हैं। साथ में एक ये मून फिल्टर दिया हुआ है छोटा सा, मून फिल्टर जो है वो इसके नीचे लगेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं थ्रेडिंग है यहाँ पे इस तरफ, तो ये मून फिल्टर यहाँ लग जाएगा जब मून का ग्लो बहुत ज्यादा है, फुल मून आप देख रहे हैं, आधे मून में इतना ग्लो नहीं होता और वही बेस्ट होता है, तो आप इसके नीचे यहाँ ये थ्रेडिंग में फिक्स कर सकते हैं, फिक्स करके फिर यहाँ पे लगा सकते हैं ये आईपीस निकाल के, जो भी आईपीस आपने यूज करना है उसके नीचे ये लग जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये जो टेलीस्कोप का पूरा सेटअप है 7000 का है, इसमें थोड़ा शिपिंग चार्ज आएगा, अगर आप बाई एयर मंगाते हैं तो अच्छा है, क्योंकि मिरर की अलाइनमेंट जो है बाई एयर में ज्यादा सेफ रहती है बजाय सरफेस के। ज्यादातर साइट्स और डीलर्स बाई सरफेस भेजते हैं पैसा बचाने के लिए, लेकिन उसमें अलाइनमेंट बिगड़ सकती है। दूसरी बात यह है कि आप यहां पे ये देख रहे हैं बैक साइड में ये स्क्रूज हैं, ये अलाइनमेंट के लिए हैं, कॉलिमेशन स्क्रूज हैं, इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना। बहुत से लोग यहां इसको खोल के सोचते हैं कि शायद पिक्चर बहुत अच्छी हो जाएगी, वो बिल्कुल नहीं करना। और इसके साथ साथ आप फ्रंट पे देख रहे हैं ये सेकेंडरी मिरर है, ये भी स्क्रूज हैं छोटे, अगर आप जूम करें यहां पे, इनको भी आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना क्योंकि ये फैक्ट्री फिटेड है, अलाइंड है। अगर आपने अपग्रेड करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें मोबाइल फोन अडेप्टर ले सकते हैं। नॉर्मली जो अमेजोन पे या दूसरी साइट्स पे अडेप्टर मिल रहे हैं वो इस टाइप के नहीं है, वो इन पे नहीं लगते क्योंकि इनका आईपी इसका दायरा छोटा है 1 इंच का। तो लेकिन ये जो फोन अडेप्टर है यहां से फोन स्लाइड कर जाता है, ये इसमें लग जाते हैं, आप देख रहे हैं ये काफी छोटा आईपीस है लेकिन ये इसमें लग जाता है, तो इसका ये खासियत है। ये अलग से अडेप्टर आपको 700 का पड़ेगा इसके साथ एज ए पैकेज, और इसमें आप बड़ा 7 इंच का एक ही मल्टी कोटेड जूम आईपीस ले सकते हैं, 3600 का बिकता है लेकिन ये 3000 का इसके साथ पैकेज के रूप में आएगा। इसको यूज कैसे करना है, आप इसको निकाल लीजिए पुराना आईपीस, और इसका एक अडेप्टर रिंग है, यहां से स्क्रू थोड़ा सा आप ढीला कीजिए तो ये अडेप्टर रिंग जो है ये इसका निकल आएगा बाहर, और फिर आप कोई भी 1.25 इंच देखिए जहां पे चला गया तो ये 1.25 इंच ये सीधा डायरेक्ट बन गया, तो आपने अपग्रेड कर लिया बेटर आईपीस के साथ। एक ही आईपीस है 8 से 24 mm, तो अलग अलग पावर देगा एक ही आईपीस में, डिफरेंट आईपीस आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। 3000 का आपको पड़ता है इसके साथ, अलग से ये 3600 का पड़ता है। और फाइनली आप क्योंकि टेलीस्कोप है और आप कैरी करना चाहेंगे डार्कर साइट्स में, तो आप ये बैग ले सकते हैं, पैडेड बैग। अगर आप देखें इसमें ये पार्टीशन है, ये वेलक्रोज है, एक तरफ ट्यूब आ जाती है, दूसरी तरफ ट्राईपॉड आ जाता है और माउंट आ जाता है, और इसमें एसेसरी पॉकेट्स भी आपको मिल जाएंगी इस तरीके से। तो ये 3 चीजें हैं जो आप जिससे अपग्रेड कर सकते हैं अपने टेलीस्कोप को। हमारे से लेने का यही फायदा है कि ये चीजें इस तरीके से हम आपको समझाते हैं और आप ले सकते हैं। आफ्टर सेल एसेसरीज जो चाहिए होती हैं इम्प्रूवमेंट के लिए वो हमारे पास मिलती हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ कुछ और नए टेलीस्कोप मॉडल्स आए हैं, वन बाय वन उसका वीडियो बनाएंगे, आप जुड़े रहिए और पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पता रहे कैसे इंस्टॉल होता है और कैसे यूज होता है। थैंक्स।